Aladdin, directed by Guy Ritchie, starring Will Smith, Meena Masood, Naomi Scott, Marwan Kanjari. जब इस मूवी को देख के निकला तो निकलते वक्त ये सोच रहा था कि इस मूवी का रिव्यू कैसे करूँ, मतलब कैसे बताऊँ कि ये कितनी याद दिलाती है उस टाइम की जब मैं बचपन में कार्टून देखा करता था अलादीन के, और जब मैं इसकी गेम खेला करता था, इस सेगा मेगा ड्राइव के ऊपर एक कंसोल होता है उसके ऊपर मैं इसकी गेम खेलता था, और अपने पुराने टाइम में मैं इनकी सारे के सारे सीरियल देखता था जो सीरियल इसके आते थे वहाँ पे, तो एक इससे लगाव बढ़ गया था वहाँ पे। और इसका एक सॉन्ग होता था स्टार्टिंग में, हर एक एपिसोड स्टार्ट होता था तो एक सॉन्ग आता ही होता था, वो सेम टू सेम जो चीज़ें होती हैं वो सेम सारी की सारी चीज़ें इस मूवी में सेम वही रखी गई हैं, जो इतनी अच्छी बात है इस मूवी की, हमें हमारे बचपन की वो याद दिलाती है। ओके, जब ये मूवी स्टार्ट होती है तो इसमें स्टार्टिंग वही होती है, एक सॉन्ग से स्टार्ट होती है जो सेम टू सेम जैसे उस मूवी जब एपिसोड चलते थे वैसे के वैसे ही। और इसमें जैसे कि स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि कैसे जफर, जिसका किरदार निभाया है मरवान कंजारी ने, ओके, वो कैसे सुल्तान को अपनी जादुई छड़ी से कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट अलादीन का जिसका किरदार निभाया है मीना मसूद ने, कि जैसे एज यूजुअल हम अपने टाइम में एक जो बचपन के टाइम में जैसे अलादीन था, इनोसेंट सा, वो चोरी करता था सिर्फ और सिर्फ अपने गुजारे करने के लिए, और उसके साथ में जो बंदर होता था जिसका नाम था अबू, वो जो सेम जो किरदार है अलादीन का, जैसे वो इनोसेंट था, उसे कुछ नहीं पता लेकिन उसे चोरी आती थी वो करनी, ये नहीं कि वो चोर था इसलिए वो खराब हो गया, चोर था तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अपना गुजारा बसर करने के लिए सिर्फ इतना ही लेता था जिससे वो अपना गुजारा निकाल सके। और उसका जो बंदर होता था कि कैसे कितना, मतलब उस मूवी में उसका उस जो पुराने टाइम में उस जो कार्टून होते थे उसमें बंदर कितना उसका साथ देता था, वही सेम टू सेम इसमें है कि बंदर उसका कितना ध्यान रखता है, उसका कितना ख्याल रखता है इस मूवी में, और उसका कितना साथ देता है यहाँ पे। पूरा जो अबू का जो किरदार है यहाँ पे इस पूरी मूवी में बहुत इंजॉयबल है, आप पूरी मूवी में आप उसे इंजॉय करोगे। अलादीन चोरी करता है, अबू उसके साथ होता है, फिर ये दोनों मिलते हैं जैस्मिन से, प्ले किया है नाओमी स्कॉट ने, बहुत खूबसूरत लगी हैं इस पूरी मूवी में, उनकी ड्रेसिंग सेंस वहाँ पे इतनी मेंटेन, इतना अच्छा दिखाया है। फिर इन दोनों के बीच में, जैस्मिन और अलादीन के बीच में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन के बाद जब ये अलादीन उसके महल में जाता है उसको अपना उसकी माँ का जब कंगन देने, तो वहाँ पे जफ़र की अलादीन पे नज़र पड़ती है और जफ़र उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और कहता है कि अगर तुझे राजकुमारी चाहिए तो तुझे एक गुफा में जाना है और वहाँ चिराग लेके आना है उसके लिए, तो वो मान जाता है। यहाँ पे वो दिखाते हैं कि कितना इनोसेंट सा बंदा किसी की बातों में भी आ जाता है, सिर्फ चाहता है इसलिए वो पूरा करने के लिए जैसे तैसे उसकी बातों में आ जाता है। फिर वो गुफा में जाता है, वहाँ पे उसे कालीन मिलता है, कालीन जैसे कि पुरानी हम कार्टून सीरीज़ की बात करें सेम टू सेम वैसे ही कालीन का यहाँ पे वही रोल, बंदर और कालीन के बीच में वही दोस्ती यहाँ दिखाई गई है, कैसे वो दोस्त बनते हैं, कितने पक्के होते हैं और कैसी मदद करते हैं वो अलादीन की, सेम टू सेम वो चीज़ें होती हैं। और कालीन कैसे फ्रेंडली हो जाता है अलादीन से, अच्छा कालीन अगर नहीं पता तो एक उड़ने वाली, मैं यहाँ फोटो भी आ रही होगी ये वाली कालीन। फिर वो वहाँ पे जैसे चिराग लेता है तो उसे पता चलता है कि जफर उसे धोखा दे रहा है, तो वो गुफा में ही कैद हो जाता है वहाँ पे अलादीन, तो वो कालीन उसे कालीन बताता नहीं, मतलब इशारे करता, बोलता तो नहीं है, इशारे करके कहता है कि ये जो चिराग है ये गुफा से निकलने में मदद करेगा, तो वो चिराग को जैसे घिसता है, तो जैसे ही चिराग को घिसता है तो उसमें से निकलता है जिन। अब ये जो सीन होता है इससे पहले पहले वाला कि भाई अलादीन ने जो उसमें थोड़ा सा उसका दिखाया गया कि वो चोरी कर रहा है, कि जैस्मिन को वहाँ पे महल में रखा जाता है वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, और जफर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है सुल्तान के ऊपर, यहाँ तक, और जैसे अलादीन पहुँचता है गुफा में चिराग के लिए, यहाँ तक ये जितना इतना पार्ट है मूवी का। इसके बाद जो इस मूवी का बहुत इन्जॉयबल, पूरी मूवी इसके बाद बहुत इन्जॉय बन जाती है, ये बनती है जिन के आने के बाद, जिसका किरदार निभाया है, जिसको प्ले किया है विल स्मिथ ने, और उम्दा लेवल का एक नंबर का जो किरदार उन्होंने निभाया है, मतलब आप उसको देखोगे इतना शरारती,
इतना बातूनी बकबक करने वाला, इतना किसी को किसी अपनी पावर का यूज करके किसी को किसी चीज में कन्वर्ट कर देना, इतना मतलब बोलने वाला, सब कुछ उसके अंदर शरारतपन भरा हुआ है, एक बचपन उसके अंदर, मतलब उसके डायलॉग, उसके बोलने का तरीका, उसके मतलब ड्रेसिंग सेंस होगी, सब कुछ इतनी बढ़िया है वो पूरी मूवी में, वहां से लेके वो पूरी विल स्मिथ वो उस मूवी को आखिर तक खींच के लेके चले जाते हैं के किरदार में। शब्द नहीं है वो बताने का कि भाई उस वक्त जो जिन था वहाँ पे कार्टून सीरीज में, उनको उसको उन्होंने कैसे मतलब कैप्चर किया, बिल्कुल सेम टू सेम वही बात करने का एक्शन हो गया, वही हरकतें हो गई, जो बहुत इमोशनली टच कर जाती है मूवी कि हाँ यार ये बचपन में मैं घर पे बैठ के ऐसे ये देखा करता था छोटा था तब मैं, अब तो बड़े हो जाते हैं तो टेंशन हो जाती है बहुत सारी चीज़ों की, तो कहीं ना कहीं ये रिलीफ देती है हमको, हम जब उन अपनी बचपन की बातों को याद करते हैं उस चीज़ को देख के। मूवी कॉमेडी से भरपूर है, अच्छी खासी मूवी है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है। अब इतना बता दिया है, इतना बहुत है, अगर इसके बाद अगर बताने बैठा तो बहुत मतलब फिर मूवी देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो ये आप एक मूवी देख सकते हैं अपने फैमिली के साथ, बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी है, जो इसमें जो जिनका किरदार है वो वाकई में बहुत अच्छा है, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी की गई है यहाँ पर, मतलब बहुत उनके आप विल स्मिथ की तो बहुत सी आपने मूवीज़ देखी होंगी, ये मुझे कहीं ना कहीं उसमें इसमें डांस भी करते हैं इस मूवी में, सॉन्ग भी हैं इस मूवी में जो बहुत मज़ेदार हैं। तो एक फैमिली पैक मूवी है, अपने बच्चों के साथ अगर आप ये देखेंगे, और आपने अगर पुराने टाइम में अपने कार्टून सीरीज देख रखी है अलादीन की, तो आपको ये उस चीज़ की आपको जरूर याद दिलाएगी, आपको रिलीफ इस टेंशन जो आप भागा दौड़ की जो एक लाइफ होती है उससे कहीं ना कहीं इसको रिलीफ जरूर दिलाएगी, मदद करेगी। तो मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। अगर आप लोगों ने ये मूवी देख लिए तो अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में प्रकट करें, अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो वो जाके देखो, पैसा वसूल मूवी है, मतलब इसमें आप बोर नहीं होगे 1% भी, कॉमेडी मूवी है, अच्छी मूवी है, ह्यूमर से भरी हुई है, सिखाती भी है कुछ अच्छा। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।